तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपना वीडियो का टॉपिक है निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, निफ्टी का ये मंथली का चार्ट आपके सामने लग चुका है दोस्तों। मंथली चार्ट से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसी बेसिस पे हम अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मंथली के चार्ट पे ये हमारा सप्लाई जोन है जो कि अभी तक टेकन ऑफ नहीं हुआ है दोस्तों। ये लेवल है दोस्तों 19,258 रुपये से लेकर के 20,222 रुपये के बीच का, काफ़ी बड़ा लेवल है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पास अभी वर्कआउट करने के लिए रेडी है दोस्तों। कुछ रिजेक्शन भी यहाँ से आपको देखने को मिले हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सप्लाई जोन था और वहीं आपका मंथली के चार्ट पे ये डिमांड जोन है फ्रेंड्स। अगर इसका आप लेवल देखना चाहेंगे तो ये लेवल है दोस्तों 17,360 रुपये से लेकर के 16,828 रुपये के बीच का, ये नीचे का डिमांड जोन है जो कि यहाँ पास वर्कआउट करने के लिए पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी है दोस्तों, लेकिन ये अभी 24 है दोस्तों करंट मार्केट प्राइस से। लेट्स मूव ऑन टू द वीकली चार्ट। तो ये आपका वीकली का चार्ट आप लोग के सामने में निफ्टी का लग चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पास सप्लाई जोन की, तो मैंने आपको ये वाला सप्लाई जोन बताया था निफ्टी में वीकली के चार्ट पे, जिसका लेवल है 19,512 रुपये से लेकर के 19,449 रुपये के बीच का, ये ऊपर का सप्लाई जोन है जो कि मैंने आपको बताया था। आप देखेंगे यहाँ से जैसे ही प्राइस ने इसको टेस्ट किया है, वैसे ही यहाँ से आपका इस वीक गिरना स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। वहीं अगर मैं नीचे के डिमांड जोन की यहाँ पास बात करूँ, तो हमारे पास अभी तक जो डिमांड जोन है दोस्तों, वो ये वाला डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस क्या है रिएक्ट करके काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ से रिएक्ट किया इस डिमांड जोन से और ये ऊपर चला गया। लेवल है दोस्तों 18,886 रुपये से लेकर के 18,647 रुपये के बीच का, ये नीचे का डिमांड जोन है दोस्तों जहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिला है। वहीं अगर ये डिमांड जोन हमारा ब्रेक होता है दोस्तों, तो फिर मुझे नीचे का लेवल देखने को मिलेंगे, जिसका लेवल रहेगा दोस्तों ये वाला 18,339 रुपये से लेकर के 18,060 रुपये के बीच का, ये नीचे का डिमांड जोन जो कि यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से वीकली चार्ट पे रेडी है दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द डेली चार्ट। तो फ्रेंड्स, ये डेली का चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है निफ्टी का। यहाँ पास मैंने आपको लेवल बताया हुआ था दोस्तों, सेम एज इट इज उसी वाले लेवल से यहाँ से आपका मार्केट में फॉल आया हुआ है। ये लेवल है दोस्तों 19,518 रुपये से लेकर के 19,681 रुपये के बीच का, ये ऊपर का सप्लाई जोन है जो कि यहाँ पास वर्कआउट किया है दोस्तों। और जैसे ही यहाँ पास आपका प्राइस आया है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ से रिजेक्शन होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। वहीं दोस्तों नीचे के अगर मैं डिमांड जोन की बात करूँ दोस्तों, तो ये काफ़ी टू फार है दोस्तों, जो कि क्वालिटी का डिमांड जोन है। ये लेवल है दोस्तों 18,722 रुपये से लेकर के 18,646 रुपये के बीच का, ये नीचे का डिमांड जोन है जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी दूर पे है दोस्तों, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको डाउनफॉल का मूवमेंट अगर आपको मिलता है, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द आवरली चार्ट। तो फ्रेंड्स, ये आवरली चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है निफ्टी का। अगर आप यहाँ पास ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पास जो डिमांड जोन आएगा दोस्तों, वो ये वाला आएगा। ये लेवल है 19,254 रुपये से लेकर के 19,210 रुपये के बीच का, ये नीचे का डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस आपका बाउंस बैक देने का पूरा पूरा चांसेस यहाँ पास दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। वहीं ऊपर के अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूँ दोस्तों, जो अभी रिसेंट में फॉर्म हुआ है दोस्तों सप्लाई जोन, वो ये वाला सप्लाई जोन है। ये लेवल है फ्रेंड्स 19,449 रुपये से लेकर के 19,469 रुपये के बीच का, ये छोटा लेवल है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली ये वाला, ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग का ये लेवल है दोस्तों, इस वाले लेवल से काफ़ी अच्छी सेलिंग आपको आते हुए दिखेगी। ये लेवल है 19,510 रुपये से लेकर के 19,544 रुपये के बीच का, ये ऊपर का सप्लाई जोन है जहाँ से आपको अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पास आती हुई दिखेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से निफ्टी की एनालिसिस चार्ट पे कंप्लीट होती है। चलते हैं फटाफट से निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का करंट वीक का आपका एक्सपायरी का जो कि है 16 नवंबर, उसका चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है। अगर आप यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, तो ये जो रेड कलर के कॉलम्स हैं, ये आपके कॉल राइटर हैं, और जो ग्रीन कलर के कॉलम्स हैं, ये आपके पुट राइटर्स हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, जो रेड कलर का कॉलम है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपकी कॉल राइटिंग है दोस्तों 19,500 की स्ट्राइक पर, इस पर काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग यहाँ भर भरती हुई है दोस्तों, तो इस वाले लेवल को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों। वहीं आपका पुट राइटर साइड 19,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पर पुट राइटर की वाई सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पास 19,400 के नीचे प्राइस आपका जाना स्टार्ट हो जाता है या सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा आपको डाउनफॉल का मूवमेंट यहाँ पास से आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से निफ्टी के एनालिसिस कंप्लीट होती है। चलते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस यहाँ पास कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है। चलते हैं मंथली के चार्ट से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, देखेंगे यहाँ पास क्या सिनारियो बन रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक की एनालिसिस आप लोग को अच्छी लगी हो, सही समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का मंथली का चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है। अगर मैं बात करूं यहां पर सप्लाई जोन की, तो फ्रेंड्स ये वो सप्लाई जोन है जहां से आपको रिजेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल है 43,830 रुपए से लेकर के 46,310 रुपए के बीच का, ये काफी बड़ा लेवल है क्योंकि ये मंथली का सप्लाई जोन है दोस्तों। और यहां पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा आपको रिजेक्शन भी आता हुआ नजर आएगा दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम पर जब चलेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा। वहीं अगर मैं नीचे का डिमांड जोन की बात करूँ दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में ये वो नीचे का डिमांड जोन है जो कि यहाँ पास वर्कआउट करने के लिए रेडी है। ये लेवल है 41,115 रुपये से लेकर के 38,613 रुपये के बीच का, ये नीचे का डिमांड जोन है जो कि यहाँ पास वर्कआउट करने के लिए पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी है दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द वीकली चार्ट। तो फ्रेंड्स ये वीकली का चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है बैंक निफ्टी का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पास सप्लाई जोन की, तो मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था दोस्तों जो कि काफी अच्छा लेवल यहाँ पास अभी तक साबित होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। काफी अच्छा यहाँ से रिजेक्शन भी होता हुआ इस वीक का आपको दिखेगा दोस्तों। ये लेवल है 43,891 रुपये से लेकर के 44,936 रुपये के बीच का, ये ऊपर का सप्लाई जोन है जो कि यहाँ पास वर्कआउट करने के लिए रेडी है दोस्तों, एज पर माई व्यू दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर मैं नीचे के डिमांड जोन की बात करूँ, तो हमारे पास ये वो डिमांड जोन आएगा बैंक निफ्टी में जो कि यहाँ पास फ्रेश है और काफी अच्छा डिमांड जोन है। ये लेवल है दोस्तों 41,274 रुपये से लेकर के 40,535 रुपये के बीच का, ये नीचे का डिमांड जोन है जो कि यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी है फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द डेली चार्ट। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सप्लाई जोन की, तो मैंने आपको एक लेवल दिया हुआ था दोस्तों, वो ये लेवल ये वाला था, ये वाला सप्लाई जोन है। आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल मुहूर्त ट्रेडिंग में दीपावली के वाले दिन आपको इसकी डिजिटल लाइन को टच करके यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है क्योंकि वहीं पास ये ओपन हुआ था और काफी अच्छा फॉल आपको यहाँ पास इन दो दिनों में आपको देखने को मिल रहा है और नेक्स्ट डे ये और भी काफी अच्छा फॉल होते हुए आपको नजर आएगा दोस्तों बैंक निफ्टी में, ठीक है। वहीं नीचे का डिमांड जोन की बात करूं तो ये काफी नीचे है दोस्तों, जिसका लेवल है 41,557 रुपये से लेकर के 40,990 रुपये के बीच का, ये नीचे का डिमांड जो कि काफी नीचे है दोस्तों। अगर यहां से मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों बैंक निफ्टी में। लेट्स मूव ऑन टू द आवरली चार्ट। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का आवरली का चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है। अगर मैं यहां पास बात करूं डिमांड जोन की, तो हमारे पास ये गैप वाला लेवल है दोस्तों जो कि डिमांड जोन है। ये लेवल है 43,040 रुपए से लेकर के 42,896 रुपए के बीच का, नीचे का डिमांड जोन है जो कि यहां पास वर्कआउट करने के लिए रेडी है दोस्तों। वहीं अगर मैं ऊपर के सप्लाई जोन की बात करूं दोस्तों, तो ये वो सप्लाई जोन है जो कि अभी टेक ओवर नहीं हुआ है दोस्तों। ये लेवल है 43,885 रुपये से लेकर के 44,056 रुपये के बीच का। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा ये लेवल है दोस्तों, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे रिजेक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बैंक निफ्टी के एनालिसिस चार्ट पे यहाँ पास कंप्लीट होती है। चलते हैं फटाफट से इसका ओपन इंटरेस्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आप लोग के सामने में लग चुका है दोस्तों। यहाँ पास जो रेड कलर के कॉलम्स हैं, ये सारे के सारे कॉलम कॉल राइटर हैं दोस्तों। वहीं यहाँ पास जो ग्रीन कलर के यहाँ पास आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पुट राइटर हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, वो है 44,000 की, जहाँ पास कॉल राइटर के सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों। वहीं अगर मैं पुट राइटर पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखूँ दोस्तों, तो वो है 43,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, यानी सीधा का सीधा 1,000 रुपये नीचे आपका यहाँ पास पुट राइटर का वाइस मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं कितना नीचे है दोस्तों, तो यहां से ही प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आती है कि मार्केट के गिरने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, ठीक है, एज पर माय व्यू। तो फ्रेंड्स इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस चार्ट पे और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कंप्लीट होती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस यहाँ पास कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।